मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी चैनल अगेन एक और हॉरर स्टोरी लाए हैं। बहुत अमेजिंग चैनल है भाई का यार, बहुत ही खतरनाक वीडियोस होती हैं, तो आप जाके जरूर चेकआउट करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो और सजेस्ट करा कर और वीडियोस कमेंट करके किन वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए। इसी चैनल के ऊपर रात के 10 बजे लाइव स्ट्रीम होती है किसकी, गेमिंग की। पबजी चलता है, कभी सीओडी चलता है, आ जाकर रात के 10 बजे भक्के यार। और वीडियो का टाइटल है सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना, द स्केरियस्ट एक्सोसिज्म ऑफ एनिलीज मिशेल। तो इसी स्टोरी के ऊपर बनाई गई थी द एक्सोसिज्म ऑफ एमिली रोज। हाँ, तो वीडियो एंजॉय करते हैं, बहुत खतरनाक होने वाली। कान में फोन लगा दोस्त, जल्दी से कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी और किन वीडियोस पर रिएक्शन। रेडी स्टडी एंड गो। क्या एंट्री मारता भाई, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी, गजब यार। रियल स्टोरी ऑफ मिशेल, नाम चेंज किया होता है ना। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये डरावनी आवाज़ें कैसी थी, और शायद इन डरावनी आवाज़ों को सुनकर आप बेहद डर भी गए होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत थी। आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको असली डर क्या होता है इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और बेहद डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पैरानॉर्मल स्टडीज़ की दुनिया में सबसे विस्मयकारी और सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल एनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी डेमोनिक पोजेशन की कहानियां सुनी होंगी जिसपे किसी व्यक्ति के शरीर में किसी खतरनाक आत्मा का वास हो जाता है, और फिर उस आत्मा से निपटने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन हमारी आज की कहानी कोई सामान्य डेमोनिक पोजेशन की घटना से जुड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि इस घटना में पीड़िता के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दुष्ट आत्माओं का वास था। और इन दुष्ट आत्माओं का राज जानकर शायद आप लोग हक्के बक्के रह जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं इस रहस्यमय और बेहद खौफनाक कहानी के बारे में। ये कहानी है एनिलीज मिशेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनिलीज के माता पिता बेहद धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनिलीज खुद भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनिलीज महज 23 साल की थी, तब टेम्परल लोब एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण एनिलीज हमेशा ही कुछ अजीब हरकतें करती पाई जाती थी। इसी वजह से एनिलीज के माता पिता ने साइकेट्रिस्ट से भी सलाह मशवरा की, लेकिन फिर भी एनिलीज की हालत में कोई सुधार ना आने के मद्देनज़र उसके माता पिता ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू किया। लेकिन 5 साल तक लगातार चले इलाजों और दवाओं का भी एनिलीज पर कोई असर होता नहीं दिखा। वहीं दूसरी ओर एनिलीज की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। एनिलीज के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद एनिलीज किसी मेडिकल कंडीशन की नहीं, बल्कि शायद किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई है। अंततः एनिलीज के पेरेंट्स ने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ने पेस्टर ऑल्ट नाम के एक पादरी को घर पर बुलाया। पेस्टर ऑल्ट ने देखा कि एनिलीज फर्श पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी थी, और वो वहीं पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को जमीन से चाट रही थी, और फिर पास में ही पड़े एक कोयले के टुकड़े को बेतरतीबी से खाने लगी। कोयला खा रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद खौफनाक हंसी को देखकर पेस्टर ऑल्ट साफ समझ गए थे कि एनिलीज के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। उन्होंने एनिलीज के पेरेंट्स को सलाह दी कि उन लोगों को जल्द से जल्द एनिलीज पर एग्जॉर्सिज्म क्रिया करवा लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। उन्होंने एक और पादरी आर्नोल्ड रेंस के साथ एनिलीज पर पहली एग्जॉर्सिज्म क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता चला कि एनिलीज के शरीर में एक दो नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। इस पहले एग्जॉर्सिज्म के बाद से ही एनिलीज के शरीर में वास करने वाली आत्माएँ और भी ज़्यादा उग्र हो गई, और एनिलीज को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों पादरियों को और भी कई एक्सॉर्सिज्म क्रिया करनी पड़ी, लेकिन एनिलीज के उग्र स्वभाव के कारण एक्सॉर्सिज्म क्रिया से पहले उसे उसके बिस्तर पर चैनों से बांधना पड़ता था। एक्सॉर्सिज्म की इन सिलसिलेवार क्रियाओं से
जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। एनेलीज के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं के नाम सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इन 6 आत्माओं के नाम कुछ इस तरह थे। नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य की जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी का आखिरी शासक था। जूडस इस्कैरियट, जो कि जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारक में से एक था और इसी ने जीसस के साथ धोखा किया था। हाँ। और वो भी महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए। ये स्टोरी सुनी थी। एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम था केन और छोटे का एबल। हिटलर को तो आप सभी जानते हैं कि ये एक जर्मन डिक्टेटर था है? जिसके कारण लाखों जाने गई। वैलेंटीन फ्लेशमैन, कितनी आत्माएं थी इसमें? एक बदनाम पादरी, 6 थी अलग अलग, शराब पीने, हमला करने और मर्डर के आरोप के तहत रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। लूसीफर, जिस तरह अच्छाई के प्रतीक के तौर पर गॉड यानी ईश्वर को देखा जाता है, उसी तरह बुराई के लिए लूसीफर को बुराई के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। लूसीफर को शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। ये सभी 6 आत्माएं एनेलीज के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान उन दोनों पादरियों को इन आत्माओं से 2-4 होना पड़ा। फादर रेंस और फादर पेस्टर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे, जिनमें से एक रिकॉर्डिंग को हम आज आपको सुनाने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को। Accurately subtracted with the original list, tape recording 97. Number room. Valio! What was it? Valio, I'm a stardust. Oh, hot mouth. Oh, God, my dear. Oh, hell. Oh, hot mouth. Oh, it's right to be in this woman. मारने के लिए coming back. सर मेरे नाम जूडस नीरो हिटलर इन एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान एनेलीज कभी इतना उग्र हो जाती थी कि वह अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर भी हमला कर देती थी। वह कभी उन्हें अपने दांतों से काट कर घायल कर देती थी, तो कभी अपने नाखूनों से उन्हें नोचने लगती थी, और तो और कभी वह खुद को भी मारने लगती थी और खुद को पूरी तरह घायल कर देती थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए एनेलीज की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एनेलीज की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर होने लगी। फिर खराब। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। उसका कहना था कि उसके अंदर बसे शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। इसी कारण वह मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गई। उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ने लगा। 30 जून 1976 को एनेलीज पर बासठ हुआ और आखिरी एग्जॉर्सिज्म किया गया, जिसके दौरान एनेलीज ने कहा कि वो अब थक चुकी है और अब इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और 1 जुलाई 1976 की सुबह एनेलीज ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन एनेलीज की मौत के बाद एक और पेचीदा मोड़ तब सामने आया जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साबित किया कि एनेलीज मेल न्यूट्रिशन के कारण मरी थी और वो एक मानसिक रोगी भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो लोग एनेलीज के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। अगर वो चाहते तो एनेलीज को बचा सकते थे। लेकिन इस कहानी और एनेलीज की मौत का असल कारण वो 6 आत्माएं थी या उसे डॉक्टरी मदद की ज़रूरत थी, यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या एनेलीज वाकई सिर्फ एक मानसिक रोग का शिकार थी? अगर डॉक्टरों की यह बात मान भी लें तो एनेलीज का वो बर्ताव और वो 6 अलग अलग लोगों की आत्माओं और एनेलीज के मुंह से आती 6 अलग अलग आवाज़ों का क्या रास्ता? आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री एक नए रहस्य के साथ। ये लास्ट में ही दिखाना जरूरी था, एकदम डम। लेकिन तू एक चीज़ समझ रही है, देख अगर मेल न्यूट्रिशन था तो कमजोरी होती है, इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाता, लेकिन
कितनी बॉडी बॉडी कितनी एक्टिव थी, जैसे कि बहुत सारी शक्तियां हों उसके अंदर, पावर हो, मतलब इतने लोगों के भी यार ये चीज एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती ये चीज डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर में क्या बियॉन्ड साइंस भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेल न्यूट्रिशन होता तो भाई इतनी पावरफुल चीज नहीं हो पाती जिस तरीके से वो अटैक कर पा रही थी हर एक चीज, मतलब अगर इतनी वीकनेस में ना, अगर जैसे इतनी ज्यादा वीकनेस थी उसमें तो इतने जैसे इतने लोग उसे पकड़ते थे ऐसे, मतलब वो इतनी हिम्मत कहां से ला रही थी यार, मतलब ये हिटलर हिटलर की हाथ में थी। और तू देख रही थी पेरेंट्स के ऊपर अटैक करी यार, मेल न्यूट्रिशन में अगर कोई होता तो पेरेंट्स पे थोड़ी अटैक करेगा या फिर वो तो इसलिए ये भी बोला था ना कि मेंटली भी डिस्टर्ब, स्प्लिट पर्सनालिटी भी होती अगर, वो हो सकता है तो, लेकिन पावर इतनी नहीं होती शरीर में मेरे हिसाब से जितनी शक्तियां ताकत उसमें थी कि बेड से बांधना पड़ जाता था यार उसको, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा इसमें पंगे वाली चीज थी, कुछ ना कुछ तो था, कुछ रहस्य तो था। अब ये नहीं पता कि अब आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि जब स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है तो उस टाइम पे क्या पावर अपने आप आ जाती है, शक्तियां आती है आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो फिर भी आप में शक्तियां नहीं यार, तो इतनी पावर कुछ भी हो सकता है। कई बार कहते प्रीस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर्स पे कहते हैं कि तुम्हारे तुमसे नहीं होगा, ये अलग चीज है, डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रीस्ट तुमसे नहीं होगा, ये क्या बोलते हैं साइंस बेस्ड चीजें हैं, तो कई बार एग्री कोई नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से मेल न्यूट्रिशन अगर कहते भी हैं होगा मेल न्यूट्रिशन नो डाउट, लेकिन जब ये शक्तियां अगर हो ये डेविल पावर होती ना जो 62 एग्जोसिज्म और लास्ट में मर गई बेचारी। हाँ। और इसी के ऊपर मूवी बनाई है एक्सोसिज्म ऑफ एमिली रोज, तो जरूर देखिएगा अगर आपने देखी नहीं मूवी, मैंने देखी है, बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन करी उस मूवी की यार। लेकिन तो सोच रही 62 एक्सोसिज्म करना और वो चीज़ सामने देखना, पेरेंट्स की क्या हालत हो जाती है उस टाइम पे, बच्चा उनका बेचारा कैसा कैसा यार। हम तो चलो स्टोरी की तरह देखते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना इस टाइप का, अगर भले ही उसके अंदर डेविल वाली आत्मा ना हो, लेकिन जो एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है मेंटली, अगर कोई बेचारा बीमार हो जाता है और ऐसी हरकतें होती है तो क्या बीतता होगा परिवार के ऊपर यार। इस वीडियो को ही एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।